Hello students, this is a video lecture of single phase induction motor जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे रेसिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर के बारे में। हम लोग पहले ही बात किए थे, दिस इज द स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर एक्चुअली, जिसमें हम लोग स्प्लिट करते हैं, यानी कि हम लोग करंट को दो फेज मिलाते हैं, सो दैट उसके द्वारा जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो वो भी आउट ऑफ फेज हो। देन हम लोग ऑक्सिलरी वाइंडिंग के इम्पीडेंस को आउट ऑफ फेज इम्पीडेंस ऐसा हम लोग बिल्डअप करते हैं, सो दैट उसके थ्रू जो करंट फ्लो करे और मेन वाइंडिंग में जो करंट फ्लो करे वो दोनों आउट ऑफ फेज हो जाए और उसके अकॉर्डिंग हमारा फ्लक्स क्रिएट हो और उन दोनों फ्लक्स के बीच में कुछ एंगल होगा तो स्टार्टिंग टॉर्क ऑटोमेटिक आएगा। हाउ, सबसे पहले हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। दिस इज द सिंपल कंस्ट्रक्शन जिसमें स्क्वायरल के रोटर दिखाया हुआ है, मेन वाइंडिंग है विच इज कनेक्टेड अक्रॉस द वोल्टेज डायरेक्टली सप्लाई डायरेक्टली एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी इसके पैरेलल है बट थ्रू द सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ओके, ये आपका क्लियर वाइंडिंग है, ये स्क्वायरल केज रोटर है जिसमें मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग, हम लोग पहली बात की ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड होगा और दोनों एक ही स्लॉट में होगा। डिपेंड करता है कि हम लोग किस बाइंडिंग को ऊपर रखते हैं स्लॉट के, किस बाइंडिंग को नीचे रखते हैं। देखते हैं पहले, ये मेन वाइंडिंग का एक्सिस है। ओके, ये मेन वाइंडिंग, ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग का एक्सिस है, दिस वन, ये सिंगल फेज सप्लाई है। ओके, सिंगल फेज सप्लाई है हमारा, दिस वन, ये प्लस ये माइनस, लाइक दैट, ये प्लस ये माइनस। ओके, और ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच को इस तरह से मैकेनिज्म बनाया गया है सो दैट कि जैसे ही रोटर का स्पीड जो है 70-80% आता है ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, स्विच ऑफ हो जाएगा, यानी कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग को सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर देगा। गॉट इट? नाउ ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग इसके साथ सप्लाई के साथ है और मेन वाइंडिंग डायरेक्टली कनेक्टेड है। नाउ ये इसके कोरस्पॉन्डिंग जो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये इसका फेजर डायग्राम। ओके, नाउ हम लोग ऑक्सिलरी वाइंडिंग को जो बनाते हैं, ओके, उसका वायर पतला होता है यानी थीन होता है, बट मेन वाइंडिंग का जो हम लोग बनाते हैं उसका वायर थिक होता है। ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो बनाते हैं उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम होता है एज कंपेयर टू द मेन वाइंडिंग बिकॉज ऑफ द फैक्टर दिस वन। ओके, इसको मेंटेन करने के लिए, यानी कि आर वाई एक्स रेशियो जो होना चाहिए ऑक्सिलरी वाइंडिंग का, वो आर वाई एक्स रेशियो मेन वाइंडिंग से हमेशा क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, सो दैट ये इसके द्वारा जो टॉर्क हो इससे पहले बिल्डअप हो। हाउ, देखते हैं। मेन वाइंडिंग कनेक्टेड अक्रॉस सप्लाई डायरेक्टली जैसा मैंने पहले कहा है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग कनेक्टेड अक्रॉस सप्लाई थ्रू द सेंट्रीफ्यूगल स्विच, क्लियर है डायग्राम से। मेन वाइंडिंग को जो हम लोग बनाते हैं लो रेसिस्टेंस एंड हाई रिएक्टेंस, तो लो रेसिस्टेंस हाई रिएक्टेंस तब तक ये होगा लो। ओके, इसको कम करने के लिए ये लो होना चाहिए और ये हाई होना चाहिए और इसका ये ज्यादा होना चाहिए और ये कम होना चाहिए। उसी के लिए जो है हम लोग रेसिस्टेंस को कम रखने के लिए मेन वाइंडिंग को हम लोग थिक वायर इस्तेमाल करते हैं। ऑफ कोर्स ऑल ऑफ यू नो आर इक्वल टू रो एल वाई ए, तो जितना मोटा वायर होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा, देन लो वायर लो रेजिस्टेंस थिक वायर, हाई रिएक्टेंस लेस नंबर ऑफ टर्न्स। ओके, यहां देखो एल डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू म्यू एन स्क्वायर बाय ए बाय एल, ये भी ए का डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, यानी कि अगर एरिया ज्यादा हो तो एल बढ़ेगा बट एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एन स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि ए मोर इफेक्टिव होगा। ओके, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स हमारा जितना कम होगा उतना कम एल होगा। ओके, तो एल हमारा उतना ही कम होगा। ओके, नाउ हम लोग जो है मोर टर्न्स और ये लेस टर्न्स। ओके, अब जो है हम लोग यहां देख रहे हैं लो थिक वायर मेन वाइंडिंग के लिए और जेलरी वाइंडिंग के लिए थीन वायर में पतला, तो हमारा हाई रेजिस्टेंस होगा। सिमिलरली जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा
उतना ज्यादा इंडक्टेंस होगा, उतना ज्यादा रिएक्टेंस होगा। तो हाई एक्स और ये लेस टर्न लो एक्स, तब कहीं जाके आर वाई एक्स रेशियो जो है ऑक्सिलरी वाइंडिंग का मेन वाइंडिंग के कंपेयर में ज्यादा होगा। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू बिकॉज आर वाई एक्स रेशियो डिटरमाइन द स्टार्टिंग टॉर्क और टॉर्क डेवलप्ड इन द इंडक्शन मोटर और एनी टाइप ऑफ मोटर, दैट डजंट मैटर। नाउ मैंने लिखा कि ये इस तरह हम इसलिए करते हैं सच दैट आर बाई एक्स रेशियो जो मेन वाइंडिंग का होना चाहिए वो आर बाई एक्स रेशियो ऑक्सिलरी वाइंडिंग से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। नाउ यूज ऑफ थिन वायर क्यों लोग करते हैं, कुछ और उपाय लगाते, बट यूज ऑफ थिन वायर फॉर द ऑक्सिलरी वाइंडिंग इज परमिसिबल, ये परमिसिबल है ड्यू टू द वाइंडिंग इन सर्किट इज ड्यूरिंग स्टार्टिंग ओनली, बिकॉज ये जो हमारा वाइंडिंग है सिर्फ स्टार्टिंग में ही कनेक्टेड होगा, जब रनिंग कंडीशन में हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली डिसकनेक्ट हो जाएगा बिकॉज सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑपरेट एट 70-80% ऑफ द सिंक्रोनस स्पीड। सो चूंकि ये वाइंडिंग हम लोग ऑक्सिलरी वाइंडिंग को सिर्फ स्टार्टिंग के लिए यूटिलाइज करते हैं, हेंस हम लोग थिन वायर इसके लिए यूटिलाइज करते हैं, इसलिए परमिसिबल है। एंड ऑल्सो यूज ऑफ थिक वायर फॉर द मेन वाइंडिंग इज असेंशियल बिकॉज इट हैज टू बी परमानेंटली कनेक्टेड, जितना मोटा वायर होगा उतना कम मेल्ट होगा, ओके उतना ज्यादा करंट भी फ्लो करेगा, ओके तो ये परमानेंट कनेक्शन है इसलिए भी हम लोग थिक वायर करते हैं। क्लियर है? नो सिंस ये फॉर्मूला है म्यू एन स्क्वायर ए बाय एल, एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, एल जो है एक्सएल और एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्यों, क्योंकि हमारा जो है एक्सएल जो होता है वो 2 पाई एफ एल, एल ज्यादा होगा तो एल एक्सएल ज्यादा होगा, तो एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। ओके सो तो जिसका नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा उसका एक्सएल ज्यादा, नंबर ऑफ टर्न्स किसका ज्यादा मेन वाइंडिंग का तो उसी का एक्सएल ज्यादा, तो एक्सएल ग्रेटर देन एक्सएल। ओके नाउ लीकेज रिएक्टेंस को हम लोग और दूसरे तरीके से भी बढ़ाते हैं, मैंने कहा ओके लीकेज रिएक्टेंस कैन आल्सो बी इंक्रीज्ड, ओके कैन आल्सो बी इंक्रीज्ड बाय प्लेसिंग द वाइंडिंग इन द बॉटम ऑफ द स्लॉट, ओके प्लेसिंग द वाइंडिंग इन द प्लेसिंग द मेन वाइंडिंग इन द बॉटम ऑफ स्लॉट सपोज, ओके तो ये हम मेन वाइंडिंग ओके बॉटम में रखे हुए हैं, ओके बॉटम ऑफ द स्लॉट मेन वाइंडिंग इन टॉप ऑफ द स्लॉट और ऑक्सिलरी वाइंडिंग, तो स्लॉट की जितना ज्यादा मतलब स्लॉट की जितना ज्यादा आगे होगा और ऑक्सिलरी वाइंडिंग उतना ज्यादा वो दूसरे फ्लक्स से लिंक होगा, ओके और इसके द्वारा जो भी वाइंडिंग बिल्डअप होगा, ओके जो भी वाइंडिंग बिल्डअप होगा, ओके जो भी सॉरी फ्लक्स बिल्डअप होगा, ओके तो इसका कम से कम फ्लक्स जो है दूसरे वाइंडिंग को लिंकअप करेगा, जब कम से कम फ्लक्स लिंकअप करेगा यानी कि फ्लक्स ज्यादा से ज्यादा लीकेज होगा कौन सा जो बॉटम में, तो ज्यादा ज्यादा फ्लक्स जो है लीकेज होगा इसलिए उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो है लीकेज रिएक्टेंस भी ज्यादा होगा, क्यों, अगर लीकेज फ्लक्स ज्यादा हुआ तो लीकेज फ्लक्स ज्यादा क्यों हो रहा है ये पता चल रहा है स्लॉट के नीचे में वाइंडिंग रखा हुआ है, तो इसके द्वारा जो फ्लक्स क्रिएट होगा, ओके ये इस तरह से हम लोग जानते हैं जैसे जैसे जो है कंडक्टर से दूर जाता है फ्लक्स वैसे वैसे फ्लक्स क्या होता है घटता है, ओके तो ये जो है लीकेज लिंक जो फ्लक्स लिंक कर रहा है दूसरे कंडक्टर को वो कम होगा यानी कि फ्लक्स लीक ज्यादा होगा, जितना ज्यादा लीकेज होगा रिएक्टेंस उतना कम होगा, ये जितना कम होगा लीकेज रिएक्टेंस जो है उतना कम होगा, नहीं एक्सेल हमारा कम होगा, ओके सॉरी लीकेज फ्लक्स जितना ज्यादा होगा तो इंडक्टेंस उतना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा इंडक्टेंस होगा उतना ज्यादा लीकेज रिएक्टेंस होगा, ओके तो लीकेज रिएक्टेंस को हम लोग इस तरह से बढ़ाते हैं, ये भी आपको याद रखना होगा कि स्लॉट के बॉटम में मेन वाइंडिंग को क्यों प्लेस करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब चूंकि एक्सेल में एक्से से ज्यादा है यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस मेन वाइंडिंग का ज्यादा है, तो जितना ज्यादा इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा, ओके यानी कि इसके कोरस्पॉन्डिंग
इसमें जो करंट है दिस इज द इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक सर्किट आर ए मैक्सिम आर ए एक्स सी, इसमें जो करंट होगा इस वोल्टेज से उतना ही ज्यादा लैग करेगा क्योंकि इंडक्टिव प्रॉपर्टी इसमें ज्यादा है, एक्सएम ज्यादा है, ओके तो उतना ही ज्यादा लैग करेगा, और चूंकि इसका एक से कम है तो ये कम लैग करेगा। देन ये हम लोग फेजर डायग्राम बनाएंगे, दिस इज द वी, ओके ये इससे कम लैग कर रहा है, इससे ज्यादा आई एम लैग कर रहा है, यानी कि आई ई जो है वो लीड कर रहा है आई एम से। जब आई ई लीड कर रहा है ओके तो उसके द्वारा जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो भी आई एम से लीड करेगा, ओके इसी बात को यहाँ पे लिखा गया है, सिंस एक्स एम ग्रेटर देन एक्स से हेंस आई एम लैग्स मोर विद द वी एज कंपेयर टू लैगिंग ऑफ आई ई, ओके सो आई ई रीचेस इट्स मैक्सिमम वैल्यू फर्स्ट, यानी कि पहले आई ए का वैल्यू रीच होगा फर्स्ट, ओके ये इस तरह से हम इसको देख सकते हैं, ओके सपोज ये भी है, ये दिस वन और ये दिस वन, ये आई ए होगा और ये आई एम होगा और ये भी होगा, ओके और ये बीटा एंगल होगा, ये बीटा एंगल से दूर होगा, तो ये पहले मैक्सिमम होगा, ये ज्यादा लैग कर रहा है, ये कम लैग कर रहा है, आई ए लीड कर रहा है, जिसका मैक्सिमम वैल्यू पहले है वो लीड करेगा, ओके देन आई ए रीचेज इट्स मैक्सिमम फर्स्ट एंड आफ्टर सम टाइम, यानी कि बीटा बीटा के द्वारा जो भी टाइम लगेगा, बीटा इक्वल टू ओमेगा टी, ओके देन आई ए रीचेज द मैक्सिमम वैल्यू, इसका मतलब ये है कि आई ए के द्वारा जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो लीड करेगा आई एम के फ्लक्स से, जब वो लीड करेगा ओके तब यानी कि ये वैल्यू ये फ्लक्स फाइ जो है ये लीड करेगा फाइ एम से, तो इसके द्वारा जो है ओके फ्लक्स के द्वारा जो टॉर्क लगेगा पहले, तो पहले टॉर्क लगेगा, तो यानी कि जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होगा वो आपका एक्सिस ऑफ ऑक्सिलरी वाइंडिंग से एक्सिस ऑफ मेन वाइंडिंग की तरफ होगा, सो आरएमएफ इज प्रोड्यूस्ड एंड रोटर स्टार्ट्स रोटेटिंग फ्रॉम ऑक्सिलरी वाइंडिंग एक्सिस टू मेन वाइंडिंग एक्सिस। कारण क्या है कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग का फ्लक्स प्रोड्यूस हो गया, तब तक जो है मेन वाइंडिंग के द्वारा जो फ्लक्स है उसका अमाउंट बहुत कम है, तो इसके द्वारा टॉर्क लगना शुरू हो गया, तो ये रोटेट करना शुरू कर गया, तो यानी कि इससे इसके डायरेक्शन में जाएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में रेसिस्टेंस स्प्लिट स्प्लिट इंडक्शन मोटर रोटेट्स इन द डायरेक्शन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ ऑक्सिलरी वाइंडिंग टू द एक्सिस ऑफ मेन वाइंडिंग, ओके नाउ अगर आप रोटेशन के डायरेक्शन को इंटरचेंज रिवर्स करना चाहते हैं तो ऑक्सिलरी और मेन वाइंडिंग के कोई भी टर्मिनल को जो है इंटरचेंज कर दीजिए, ओके रिवर्स हो जाएगा, ऑक्सिलरी वाइंडिंग इज डिसकनेक्टेड ऑटोमेटिकली बाय मींस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल स्विच एट 70-80% ऑफ सिंक्रोनस स्पीड, ये हम लोग बात कर चुके थे। नाउ इफ अगर मान लेते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच फेल हो गया टू ऑपरेट इन ऑक्सिलरी टू ऑपरेट, तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग उसी सर्किट में रह जाएगा, तो उस सर्किट में रह जाएगा तो क्या होगा, ओवरहीट होगा, ओवरहीट होगा तो ऑटोमेटिक बर्न कर जाएगा, बट अगर वो उसी सर्किट में रह गया इफ द ऑक्सिलरी वाइंडिंग रिमेन्स इन सर्किट, तब उसमें नॉइजी परफॉर्मेंस होगा, यानी कि ऑटोमेटिक नॉइज आना शुरू हो जाएगा, उसके चलते टॉर्क लगेगा, ओके तो नॉइजी परफॉर्मेंस होगा, यही कारण है कि हम लोग शॉर्ट टाइम रेटेड बनाते हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग को, यानी कि शॉर्ट टाइम के लिए ऑपरेट हो रहा है तो नॉइजी परफॉर्मेंस होगा, इसके लिए भी हम देखते हैं टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके ये टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स है, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ये आपको जो दिख रहा है आपको याद होगा टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, जिसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या था, जीरो था। नाउ जैसे ऑक्सिलरी वाइंडिंग को हम इंट्रोड्यूस किए, ओके देन ये जो आपका स्टार्टिंग टॉर्क आ रहा है दिस इज जस्ट ऑनली ड्यू टू ऑक्सिलरी वाइंडिंग ऑनली, ओके देन ये जो आपको दिखाया गया है ये आपका कंबाइंड ऑपरेशन ऑफ द मेन वाइंडिंग एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग एंड दिस इज ड्यू टू मेन वाइंडिंग ऑनली, तो जैसे ही रोटर जो है 0.7 से 0.8 ऑफ सिंक्रोनस स्पीड पहुंचता है
वैसे सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है उसको डिस्कनेक्ट कर देता है। ओके, डिस्कनेक्ट करने का जो है ये फिर इस टॉर्क पे रन करता है। अगर ये डिस्कनेक्ट नहीं हुआ तो इस टॉर्क पे रन करेगा और वहां पे नॉइजी परफॉर्मेंस होगा। ओके, देन दिस इज द टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टार्टिंग टॉर्क इज ड्यू टू ऑक्सिलरी वाइंडिंग ओनली, आफ्टर 70-80% ऑफ एनएस टॉर्क इज ड्यू टू मेन वाइंडिंग ओनली। ओके, एप्लीकेशन इसका है फैन में, ब्लोअर्स में, सेंट्रीफ्यूगल पंप इटीसी। ओके, बहुत सारे हैं और हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। ओके, थैंक यू।